हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 110 है और आज जिस वर्ड को हमने चूज किया है वो वर्ड है यर्न। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड यर्न को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड यर्न है पार्ट ऑफ स्पीच से, ये एक वर्ब है। वर्ब होने के नाते इसकी फॉर्म्स होंगी तो बड़ा ही सिंपल है, ईडी आपको लगा देना है। नाउ कमिंग टू द मीनिंग, इसका मीनिंग है टू हैव अ डीप डिजायर फॉर समथिंग और समवन। किसी चीज या किसी व्यक्ति को लेकर के जब आपके मन में प्रबल इच्छा हो उसी को यर्न कहते हैं। आप हिंदी में इसे चाह रख सकते हैं, कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं, कामना करना कह सकते हैं। ये इसका मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई यर्न टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एज अ सीनियर सिटीजन बिकॉज आई नेवर वेंट एनीवेयर इन माई यंगर डेज। कोई कह रहा है मैं अपनी जवानी के दिनों में कहीं घूमने नहीं गया, तो मैं जरूर एक सीनियर सिटीजन के तौर पर दुनिया का भ्रमण करना चाहूंगा। मेरी ये इच्छा है, आई वुड लाइक टू ट्रैवल, आई यर्न टू ट्रैवल, मैं जरूर ऐसा करना चाहूंगा। नंबर टू, बिकॉज माई हस्बैंड हैज बिन स्टेशन्ड ओवरसीज फॉर अ ईयर। ओवरसीज बेसिकली अब्रॉड लोकेशंस के लिए होता है, देश के बाहर। स्टेशन मतलब आप जॉब कर रहे हैं, आपकी तैनाती है कहीं पर। एक महिला बोल रही है कि चूंकि मेरे हस्बैंड एक साल से दूर हैं, देश के बाहर जॉब कर रहे हैं, आई यर्न फॉर हेम टू कम होम। मेरा बड़ा मन है, मेरी बड़ी इच्छा है कि वो घर लौट आए। ये हो गया यर्न वर्ड का मीनिंग। अब इसे समझेंगे कैसे। यर्न का वाई हटा करके ये क्या बनता है सर, अर्न। अर्न मतलब कमाना। आप नेमोनिक तैयार कर लीजिए कि आप यर्न करोगे तभी अर्न करोगे, मतलब आप चाह रखोगे तभी कुछ पा सकोगे, यर्न करोगे तभी अर्न करोगे। कहते भी तो हैं, जहां चाह वहां राह, वेयर देर इज अ वेल देर इज अ वे। तो यर्न करोगे तभी आप अर्न करोगे, चाह रखोगे तभी आप कमा सकोगे। सिनोनिम्स, डिजायर, क्रेव, वेल, लॉन्ग, ये सब। एंटोनिम्स, डिटेस्ट, लोथ, अबॉर, रिपेल, डिस्पाइस, डिसइंटरेस्ट, ये सब। तो आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू सो मच।